बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हमेशा की तरह शादाबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। हर बंदा परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, तो पता नहीं क्या होने वाला है दुनिया में। मैं जब से बीमार है, ऑपरेशन मेरा हुआ है, तो राफिया को चूरी बनानी पड़ती है, और चूरी इसलिए बनानी पड़ती है, मैं कहता हूँ शोरबे वाला सालन हो और उसमें चूरी बना देती है तो मैं ज़रा आसानी से चबा लेता हूँ और खाने में आसानी होती है, मुश्किल नहीं होती। तो स्टिचिंग हुई है मुंह पे इस वजह से। तो मुझे ये 3 बार पूछ चुकी है, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए मुझसे ये पूछती है कि ये जो चूरी आप खाते हैं ये कितनी देर चलेगी। और नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि भाई आप सोचें कि चूरी बनाना मुश्किल हो गई है और 3 बार मुझसे पूछ चुकी है। और पूरे हफ्ते का 15 दिन का खर्चा निकालना है, तो अच्छा 15 दिन का वजन हुआ है 1 किलो 130 ग्राम। कितने दी बन गई है? 730 रुपए दी। ठीक है, बना फ्रूट लेना है। जब से ऑपरेशन हुआ है मेरा तो फ्रूट भी लाजिम हो गया है। ये सेब किस तरह है? ये कितने का किलो है भाई? 120 रुपए किलो। तो ये 150 रुपए किलो। अच्छा, ये 1 कर दें किलो। ठीक है, तो ये केला किस तरह है? 100 रुपए का है। और वो दर्जन में होता है ना केला? तो हाँ, दर्जन 1 दर्जन कर दें। जी दोस्तों, आज राफिया ने एक ऐसी बात बताई है जो मैंने कभी नहीं पूछी राफिया से, तो आज राफिया ने खुद ही बता दी। कोई आवाज में कोई आदमी आ जाता है, मुझे परेशान तो नहीं करता, ना ही मुझे कुछ कहता है, लेकिन ना मेरा मसला बन जाता है और मेरा दिल घबराहट जा जाता है, सर में मेरी दर्द होने लगती है। अल्लाह पाक ऐसी बीमारी किसी को ना दे। ये वही जुल्म जो हुए हैं पहले, ये उनका नतीजा है कि आज एक इंसान दूसरे इंसान को देख के तंग हो जाता है, जो ना हमारा मुजरिम है, ना हमारा गुनहगार है, ना उसने कभी हमें दुख दिया, कोई भी हमें मिलने आ जाए तो राफिया की ये हालत हो जाती है कि मैं भी परेशान हो जाता हूँ। लेकिन इंसान अब किसी से मिलने से इनकार तो नहीं कर सकता, तो मैं मैनेज करता हूँ। बहुत सी बातें मुझे राफिया को समझानी पड़ती हैं, लेकिन ये सब उसी जुल्म का नतीजा है जो मेरे घर वालों ने किया और जो राफिया के भाई ने किया। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी पैदा ना होती हमारे घर में। ये सब कुछ उनका किया हुआ है जो आज हम भुगत रहे हैं। चले, इसी के साथ इजाजत ले लें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो से। तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, याद रखे, हमेशा की तरह आबाद रखे। हंसो हंसो और हंसो। अच्छा, कभी ये भी कहती है कि मैं ना आपका ऑपरेशन मैं खुद कर देती।